तो अब इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं क्या? सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, वही चीजें, कुछ नथिंग। पहला आपने पढ़ा था कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, दूसरा आपने पढ़ा नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, थर्ड आपने पढ़ा था दैट इज मिक्स्ड इनहिबिशन, एंड द फोर्थ आपने पढ़ा था अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। इन्हीं चारों के ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है। अगर आप ध्यान दें तो हमारा जो मिक्स्ड इनहिबिशन में जो इनहिबिटर था वो फ्री एंजाइम से बाइंड कर रहा था, मतलब जब फ्री एंजाइम होगा तभी बाइंड करेगा वहां पे, और फ्री एंजाइम से इसीलिए बाइंड करेगा क्योंकि तभी एक्टिव साइट जो है वो फ्री अवेलेबल रहेगा, क्योंकि जो बाउंडेड एंजाइम होगा सब्सट्रेट से उसका एक्टिव साइट अवेलेबल होगा ही नहीं, एंड होगा ही नहीं तो इनहिबिटर वहां बाइंड ही नहीं करेगा। तो इनहिबिटर जो है फ्री एंजाइम से बाइंड करता है, और इनहिबिटर जो बाइंड करता है वो एक्टिव साइट से बाइंड करता है। यहाँ पे जो इनहिबिटर होता है, कंपटीशन होता है इनहिबिटर आई का, मतलब याद रहे कि यहाँ पे जो आई मैंने शो किया हर जगह पे, आई का मतलब है इनहिबिटर और एस का मतलब है सबस्ट्रेट। तो ये चीज जो है शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि चीजों को अगर मैं पूरा फुल फॉर्म लिखता तो कॉम्प्लेक्स टेबल नजर आता है, इसलिए। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन जो है वो आई का एज वेल एज सबस्ट्रेट का जो है कॉम्पिटिशन होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबस्ट्रेट और आई यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करते हैं? एनालॉगस बिहेव करते हैं, ठीक है? तो एनालॉगस बिहेवियर जो है यहाँ पे शो किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं आइदर आई और एस, चाहे तो इनहिबिटर हो या सबस्ट्रेट हो, दोनों के दोनों कहाँ पे बाइंड कर रहे थे? एक्टिव साइट पे। और जब दोनों के दोनों एक्टिव साइट पे बाइंड करेंगे तो जो सबस्ट्रेट की अफिनिटी होगी वो डिक्रीज होती है, और अफिनिटी डिक्रीज होती है तो केएम क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है? ये इंफॉर्मेशन आप समझ रहे, और केएम इंक्रीज होगा। और क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ या तो सबस्ट्रेट बाइंडेड रहेगा या तो जो है वो आपका बेसिक तौर पे इनहिबिटर बाइंडेड रहेगा। यानी अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे कौन सा साइट जो है वो ऑक्यूपाइड होगा? एक्टिव साइट ओनली। तो जब एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड होगा तो वीमैक्स जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। सो दिस इज द केस यहाँ पे केएम और वीमैक्स की चीजों को ध्यान रखना कि केएम जो है इंक्रीज होगा और वीमैक्स जो है कॉन्स्टेंट होगा इन द केस ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, ठीक है? इसके बाद बात कर लेते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के बारे में। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वेबसाइट पे उन्हें लग रहा है कि जो है डाउट पूछ रहे हैं, और मैं अगर उन्हें इग्नोर कर रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि सर वेबसाइट की तरफ देखते नहीं है, सिर्फ टेलीग्राम पे जो है बातचीत करते। तो मुझे सारे कमेंट्स और जिसके जो डाउट है वो सब दिख रहा है, और रिलेवेंट पोजीशन पे रिलेवेंट जगह पे मैं जो है डाउट को डील कर दूंगा, ठीक है ना? तो आप लोग आपस में ही अपनी खिचड़ी पकाने की बजाय, अगर मैं वेब ऐप पे क्लास ले रहा हूँ इसका मतलब है कि मुझे मेरे सामने जो है सारा विंडो ओपन है और मुझे सारी चीजें पता चल रही है कि क्या कैसे हो रहा है, ठीक है? तो आप लोग जो है आपस में खिचड़ी ना बनाएं, और खुद के एजम्पशंस को सच ना माने, है ना? आजकल एक बड़ा जो है वो मिथ या बड़ा अलग सा दुनिया चला जिसमें झूठ को सच से ज्यादा सच माना जा रहा है, ठीक है? आजकल वो कलयुग आया हुआ है कि जहां पे झूठ को सच से ज्यादा सच माना जा रहा है, और सच की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप आराम से पढ़िए, और मैं जहां पे जो डाउट होगा जिस जगह पे मुझे लेना होगा जैसे लेना होगा वो मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? चलिए, तो लेट्स डिस्कस द नॉन कॉम्पिटेटिव वन। नॉन कॉम्पिटेटिव वन की जब बात करते हैं तो नॉन कॉम्पिटेटिव वन ये फ्री एंजाइम से भी बाइंड करता है, क्योंकि एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करता है, तो फ्री एंजाइम में भी एलोस्टेरिक साइट अवेलेबल होगा, और अगर एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स ही जो है बन गया तो उसमें भी एलोस्टेरिक साइट अवेलेबल होगा। तो इसे मतलब ही नहीं है कि आपका एंजाइम फ्री है या एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बाइंडेड फॉर्म में है। यहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिशन अब नहीं शो करते हैं इनहिबिटर और सब्सट्रेट के बीच में, देयर इज अ नो कॉम्पिटिशन। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्सट्रेट जो है उसका साइट अलग है, वो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, और इनहिबिटर जो है वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ऑक्यूपाइड पोजीशन है वो दोनों साइट पोजीशन है, एक्टिव साइट भी ऑक्यूपाइड है और एलोस्टेरिक साइट भी ऑक्यूपाइड है। और अगर दोनों साइट ऑक्यूपाइड है तो वीमैक्स यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज होगा, सीधी सी बात है। और जब दोनों के दोनों बाइंड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली बाइंड कर रहे हैं, अगर मैं एक टर्म यहाँ मेंशन करूं तो इनकी जो बाइंडिंग हो रही है नॉन कॉम्पिटेटिव में इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की, वो एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। तो मैं ऐसे को क्वेश्चन कर सकता हूँ इंडिपेंडेंटली बाइंड कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंटली अगर बाइंड हो रही है तो आप ये चीज शो कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है केएम कभी भी वैरी नहीं करेगा, क्योंकि जब तक जो है वो डिपेंडेंसी ना हो सबस्ट्रेट की या इनहिबिटर की सबस्ट्रेट के ऊपर, तब तक केएम अफेक्ट नहीं होता। और केएम इसलिए अफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट मैनर में बाइंड कर रहे हैं, इसलिए केएम यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी इफ अफिनिटी पे कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। दे आर इंडिपेंडेंटली बाइंड, या दे आर इंडिपेंडेंटली बाइंड्स
कह सकते हैं कि वो दोनों जो है इंडिपेंडेंटली बाइंड करते हैं विद द एंजाइम्स, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो इफेक्ट ऑन द अफिनिटी ऑफ एंजाइम विद द सबस्ट्रेट और विद द इनहिबिटर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दैट इज मिक्स्ड वर्क। तो मिक्स्ड जो है वो कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव दोनों का मिक्स है। कई सारे बच्चे जो है पता नहीं क्यों मिक्स में कंफ्यूज हो रहे हैं और इसी से रिलेटेड जो है डाउट आया था। तो मिक्स्ड में जो है कंफ्यूजन होने की जगह आप सीधे सिर्फ कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव को मिक्स कर दो, दैट्स द मिक्स्ड वन। मतलब इसमें जो है एंजाइम या इनहिबिटर जो है वो कंपीट भी करेगा एक्टिव साइट के लिए और वो एलोस्टेरिक साइट पे भी बाइंड करेगा, दैट्स द मिक्स्ड वन। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जब वो जो है एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा तो वो फ्री एंजाइम से भी बाइंड कर सकता है और एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर सकता है। और इसके बाद अब एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट दोनों से बाइंड कर सकता है, ये दोनों ऑक्यूपाइड करेगा। और जब दोनों ऑक्यूपाइड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें वीमैक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब बात आता है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी हो रहा है इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में, और साथ ही साथ में ये कॉम्पिटिशन तब भी होगा जब इनहिबिटर एक्टिव साइट पे बाइंड करने का इच्छुक रखता है, मतलब वहां पे बाइंड कर रहा हो तो इनहिबिटर एलोस्टेरिक पे भी बाइंड करेगा, और वहां पे जब बाइंड करेगा तो कॉम्पिटिशन शो नहीं करेगा, वो तभी शो करेगा जब वो सबस्ट्रेट्स के साथ एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहा है, तो वहीं पे कॉम्पिटिशन जो है शो करेगा। एंड इसी वजह से यहां मेंशन किया गया, आप अगर देखोगे तो नॉन कॉम्पिटिटिव में सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे सिर्फ बाइंड कर रहा था, जबकि यहाँ पे सबस्ट्रेट भी कर सकता है और इनहिबिटर भी कर सकता है, और बिकॉज ऑफ दिस इसमें कॉम्पिटिशन होगा। लेकिन इनहिबिटर एलोस्टेरिक पे है तो ये नॉन कॉम्पिटिशन हो गया, तो इसीलिए इसको बोला जाता है मिक्स्ड इनहिबिशन, जिसमें केएम जो है वो इंक्रीज होता है। केएम इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन हो रहा है, कॉम्पिटिशन होने की वजह से सबस्ट्रेट की अफिनिटी कम होगी, कम होगी तो केएम इंक्रीज होगा, तो ये कहानी हो जाएगी मिक्स्ड इनहिबिशन की। और इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग आ जाता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है इसमें बाइंडिंग सिर्फ और सिर्फ किससे होगी, ई एस कॉम्प्लेक्स से होगी, फ्री एंजाइम से कभी भी यहाँ पे बाइंडिंग नहीं हो रही है। फ्री एंजाइम देखो, नॉन कॉम्पिटिटिव में फ्री एंजाइम और एंजाइम सब्सट्रेट दोनों से कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग इंडिपेंडेंट था सब्सट्रेट से इनहिबिटर का। लेकिन इन द केस ऑफ अनकॉम्पिटिटिव, इसमें इनहिबिटर की जो बाइंडिंग है वो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जब तक सब्सट्रेट बाइंड नहीं करेगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं होगा, तब तक जो है इनहिबिटर बाइंड नहीं करेगा। तो और वो सिर्फ और सिर्फ एलोस्टेरिक साइट पे ही बाइंड कर रहा है, लेकिन स्टिल वो बाइंडिंग जो है सब्सट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो सब्सट्रेट बाइंडिंग इंड्यूसेस द कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। यहाँ पे देखो मैंने इस चीज को मेंशन किया है, हाईलाइट किया, और ये चीज ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही डिफ्रेंशिएट करता है अनकॉम्पिटेटिव और कॉम्पिटेटिव को। तो कॉम्पिटेटिव अनकॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव को, तो ये जो सब्सट्रेट बाइंडिंग है इंड्यूस करता है कॉन्फर्मेशनल चेंज को, और फिर उसी कॉन्फर्मेशनल चेंज की वजह से जो इनहिबिटर है उसकी बाइंडिंग होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस सब्सट्रेट पहले बाइंड करेगा, फिर आपका आएगा इनहिबिटर। तो सब्सट्रेट पहले एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद ई एस कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कॉन्फर्मेशनल चेंज होगा, और फिर जिसकी वजह से वो प्रमोट करेगा इनहिबिटर के एलोस्टेरिक साइट के बाइंडिंग पे। दोनों के दोनों साइट ऑक्यूपाइड है, अब दोनों साइट ऑक्यूपाइड है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे वीमैक्स डिक्रीज होगा और केएम यहाँ पे इंक्रीज नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इनहिबिटर की बाइंडिंग सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के ऊपर निर्भर करता है, यानी सबस्ट्रेट की बाइंडिंग जितनी ज्यादा होगी इनहिबिटर के बाइंडिंग के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग यहाँ पे बढ़ती है या अफिनिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से केएम डिक्रीज हो जाता है। तो ये कहानी रही आपके चारों के चारों इनहिबिटर्स की, या चारों के चारों इनहिबिशन मैकेनिज्म्स की। समझ में आई बात है? मैंने उसको इस डायग्राम के तौर पर चीजों को समझाया, फिर मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में चीजों को समझाने की कोशिश करी है। अगर पल्ले पड़ गई तो ठीक है, और नहीं पड़ा तो और भी ठीक है। ठीक, अगर इसमें की पॉइंट्स के तौर पे बात करें तो केएम वीमैक्स जो है वो की पॉइंट के तौर पे काम होते हैं, कि जब कॉम्पिटिटिव होता है तो उसमें केएम इंक्रीज होता है, और वीमैक्स क्या होता है जनाब, वीमैक्स कॉन्स्टेंट होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव है तो उसमें केएम क्या होगा, केएम जो है वो कॉन्स्टेंट होगा, और वीमैक्स जो है यहाँ पे वीमैक्स डिक्रीज होगा। अगर मिक्स्ड है तो उसमें केएम इंक्रीज हो रहा है और वीमैक्स डिक्रीज हो रहा है, और इन द केस ऑफ अनकॉम्पिटिटिव यहाँ पे केएम और वीमैक्स दोनों ही डिक्रीज होंगे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन इसी का यूज फ्यूचर में भी और कुछ करने वाले, लेकिन इतना इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर कहानी में जो है ट्विस्ट आ सकता है, लेकिन यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है कि अगर जो है वो क्या हो रहा है, कॉम्पिटेटिव में केएम बढ़ रहा है, वीमैक्स कांस्टेंट है,
नॉन कॉम्पिटेटिव में केएम कांस्टेंट है, वीमैक्स घट रहा है, अनकॉम्पिटेटिव में दोनों घटते हैं, मिक्स्ड में केएम बढ़ता है और वीमैक्स घटता है। इस कहानी के बाद अगर केएम और वी वन अपॉन केएम की बात करें, तो केएम और वीमैक्स का जो रोल आता है ये आपके माइकलिस मेंशन के ग्राफ में आएगा, माइकलिस मेंशन के इक्वेशन में आएगा, क्योंकि उसमें केएम और वीमैक्स है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट इन द केस ऑफ एलबी इक्वेशन, तो एलबी इक्वेशन में वन अपॉन केएम नहीं, केएम और वीमैक्स नहीं, वन अपॉन केएम या वन अपॉन वीमैक्स का कॉन्सेप्ट आता है। एज अ एक्स इंटरसेप्ट की बात करिए या एज अ वाई इंटरसेप्ट की बात करिए। इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि अगर आप खुद बताइए कि अगर जो है केएम बढ़ रहा होगा तो वन अपॉन केएम क्या होगा, घटेगा, रेशियो घटेगी फिर। वन अपॉन वाली अगर केएम बढ़ रहा है तो नीचे जाएगा तो वन अपॉन केएम घटेगा, अगर वीमैक्स कॉन्स्टेंट है तो वन अपॉन वीमैक्स भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। अगर यहां पे जब बात करते हैं कि केएम कॉन्स्टेंट है तो वन अपॉन केएम क्या होगा, नॉन कॉम्पिटेटिव, वो भी कॉन्स्टेंट होगा। नॉन कॉम्पिटेटिव में अगर वीमैक्स घट रहा है तो वन अपॉन वीमैक्स क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अनकॉम्पिटेटिव में अगर वीमैक्स घट रहा है और केएम दोनों घट रहे हैं तो वन अपॉन केएम बढ़ेगा और वन अपॉन वीमैक्स भी बढ़ेगा। मिक्स्ड में केएम अगर बढ़ रहा है और वीमैक्स घट रहा है, केएम बढ़ रहा है तो वन अपॉन केएम घटेगा और वीमैक्स घट रहा है तो वन अपॉन वीमैक्स बढ़ेगा। ये सिर्फ रेशियो का हेर फेर है, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस और बुद्धि विवेक का प्रयोग करोगे ना, तो इस लॉजिक का यूज करते हुए आपको फ्यूचर में ग्राफ पढ़ना हो, समझना हो, या सारी चीजें वो बहुत आसान हो जाएंगी और चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं।